ये गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइज मैंने ये लुक ट्राई किया है बहुत बजट को ध्यान में रखते हुए और वो प्रोडक्ट यूज़ किए हैं जो आपको ऑफलाइन ऑनलाइन आराम से मिल जाएंगे और जो अच्छे ब्रांड के हैं जो प्रोडक्ट यूज़ किए हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए और आपको जो भी परचेज़ करना है आप लिंक के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। और मैंने पहने हैं इसमें शलवार कुर्ता और सिर्फ टीका यूज़ किया है। और ये लुक आप लोगों को कैसा लगा वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। तो आइए देखते हैं कि मैंने इस लुक को कैसे क्रिएट किया है। सबसे पहले यूज़ किया मैंने ये गुड वाइब्स का टोनर है, रोज़ टोनर, और फेस पर बहुत अच्छे से ग्लो करता है। और मैं आज जितने भी प्रोडक्ट यूज़ करूँगी सबके प्राइस आपको बताती चलूँगी। और ये मुझे पड़ा था 175 रुपीज़ का और डिस्काउंट रहता है, कभी कम ज़्यादा होता रहता है। और उसके बाद मैंने यूज़ किया ये गुड वाइब्स का रोज़ सीरम है और जिसका प्राइस है 215। और उसके बाद हमने यूज़ किया है ये बेस प्राइमर है, रियल बेस प्राइमर, और ये मुझे पड़ा था 150 रुपीज़ का और जो मेकअप को बहुत लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, ओपन पोर्ट को हाइड कर देता है। और उसके बाद यूज़ कर रही हूँ मैं ये कॉन्टोरिंग जो मुझे 150 रुपीज़ का ही पैलेट पड़ा था और इसमें बहुत सारे शेड होते हैं और इसमें से मैंने हाई कंसीलर से अपने जो डार्क सर्कल उनको हाइड किया है। और उसके बाद मैंने यूज़ किया है फाउंडेशन। तो इस टाइप के अगर आप पैलेट खरीदते हो ना तो इसमें आपको बहुत कई चीज़ें मिल जाती हैं। उसके बाद में मैं यूज़ कर रही हूँ ये फाउंडेशन, ये थोड़ा सा येलो टोन में है, ऑयल फ्री है और मैट फिनिश देता है। ये आपको 75 रुपीज़ का आपको लोकल मार्केट में ऑनलाइन पर्पल पे फ्लिपकार्ट पे कहीं भी मिल जाएगा। थोड़ा सा येलो टोन में है ये, आप चाहो तो इसमें कंसीलर वगैरह यूज़ करके इसको अपनी फेस के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। ये बहुत अच्छा है और बहुत मैट फिनिश देता है। और मैं इसे एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से फेस पर अप्लाई करूँ, ब्लेंड करनी है, थोड़ा सा ब्लेंड कर लो तो मेकअप जो है बहुत अच्छे से ग्लो करता है और ड्राई पैचेस वगैरह नहीं छोड़ता है। उसके बाद मुझे थोड़ा सा नेक पे कम लग रहा था तो मैंने और भी अप्लाई कर लिया। उसके बाद यूज़ कर रही हूँ ये लैक्मे का है, रोज़ पाउडर है जो सनस्क्रीन ऐड है इसमें। ये मुझे 160 रुपीज़ का फ्लिपकार्ट से मैंने इसे परचेज़ किया था, पॉसिबल होगा तो मैं लिंक ज़रूर दे दूँगी आप लोगों को। और बहुत अच्छे से ये कंसीलर को, फाउंडेशन को बहुत अच्छे से सेट करता है। आप बजट में चाहते हो तो इसे ज़रूर परचेज़ कर लो, बहुत अच्छा है, लॉन्ग स्टे करता है। उसके बाद मैं ये प्रो का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, मैं इसे भी फ्लिपकार्ट से 160 रुपीज़ का मैंने 175 रुपीज़ का मैंने इसे परचेज़ किया था। और एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं अपने आईलेट पे अप्लाई कर रही हूँ और इसे ब्लेंड कर ले रही हूँ ब्रश की हेल्प से, बहुत अच्छा है ये। और हाँ, मुझे हाईलाइटर आई शेडो के लिए बहुत कमेंट्स आए हैं जिसका मैंने कमेंट्स में रिप्लाई नहीं दिया है, लेकिन इस वीडियो के थ्रू मैं रिप्लाई दे रही हूँ आप लोगों को। आपके उस ब्यूटी का ये आई शेडो पैलेट परचेज़ कर सकते हो। ये मुझे 250 रुपीज़ का पड़ा था, उस टाइम ऑफ़र चल रहा था, आप देख सकते हो, हो सकता ऑफ़र में हो तो आपको मिल जाएगा। इसमें 21 कलर आई शेडो के हैं, इसमें हाइलाइटर है, बहुत अच्छा है, मैट हैं, ग्लिटर हैं, और देखिए इसमें से मैं गोल्डन कलर भी ले रही हूँ। तो ये आई शेडो पैलेट बहुत अच्छा है, मेरे पास बहुत सारे हैं लेकिन ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा और कलर भी बहुत अच्छे हैं इसके, तो आप इसे परचेज़ कर सकते हो। उसके बाद मैं ये ग्लिटर यूज़ करूँगी जिसे मैंने यूज़ किया लोकल मार्केट से परचेज़ किया था। और इसमें ये जो ब्रश दिया होता है इसे लगाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है और इसके सारे शेड आते हैं। मुझे अपनी जो इनर कॉर्नर है उसको गोल्डन रखना था इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ और लगाने में ये बहुत ईजिली लग जाता है और बिगनर के लिए बहुत बेस्ट है, आप इसे परचेज़ कर सकते हो। उसके बाद मैं कलर क्विन का काजल यूज़ कर रही हूँ मैं अपने वॉटर लाइन पर, इसका भी प्राइस है 150 रुपीज़। मैंने जितने भी प्रोडक्ट यूज़ किए सब बहुत बजट में हैं और प्राइस भी मैंने बता दिए हैं। उसके बाद में मैं यूज़ कर रही हूँ ये कलर क्विन का आईलाइनर है और इसका जो ये कैप दिया हुआ है ये बहुत अच्छा है, बिगनर के लिए बहुत अच्छा है, इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ये आपको लोकल मार्केट और ऑनलाइन दोनों जगह पर मिल जाएगा, ईज़िली अवेलेबल होता है कहीं पर भी। उसके बाद में मैं यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास है ब्लू हेवन का ब्लश है, इससे मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ, देख सकते हो। और
प्राइस, इसका कोड है 502 और प्राइस है ये मुझे 120 रुपीज़ का पड़ा था। उसके बाद मैं इस सेम पैलेट से ले रही हूँ, कलर पिक किया है मैंने जिसे मैं एज अ प्लास्टर यूज़ कर रही हूँ, और उसके बाद यूज़ किया है मैंने ये हाइलाइटर जो ग्लैम 21 का है, इसे मैंने अपने लोकल मार्केट से परचेज़ किया है, ये मुझे 200 रुपीज़ का पड़ा था। उसके बाद ले रही हूँ ब्लू हेवन का मस्कारा है, ये मस्कारा भी मुझे 150 रुपीज़ का पड़ा था, और बस सारे सेम प्राइस के ही प्रोडक्ट यूज़ किए मैंने। उसके बाद ये लिप शेड ले रही हूँ, ये लोकल मार्केट की है, और कलर आप देख सकते हो मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं, ये मेरा फेवरेट, इतना प्यारा कलर है कि बताने की ज़रूरत नहीं है, आप कैमरे पे खुद देख सकते हो। और ये मुझे 199 रुपीज़ की पड़ी थी और बहुत प्यारा कलर है। उसके बाद मैं ग्लैम 21 का स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। गाइज़ ये मेरा फाइनल लुक की वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा, बजट में था या नहीं था मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा। इस टाइप की वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाऊंगी। तो मिलते हैं किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।